छठ पूजा के लिए रेलवे की तैयारियों को जानने के लिए डीटी न्यूज के संवाददाता राजेश राज ने बात की रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक सूचना और प्रसार दिलीप कुमार से। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिवाली का शोर थम चुका है, लेकिन अब छठ की बारी है और छठ के लिए भारतीय रेल के द्वारा लाखों पैसेंजर जो है अपने गंतव्य स्थल तक जाने के लिए उड़ान भरने वाले हैं। और आने वाले दिनों में क्या क्या भारतीय रेल की तैयारियां हैं, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो सूचना और प्रसार हैं, दिलीप कुमार जी। छठ की बारी है और छठ के लिए हम जानते हैं कि पूर्वांचल के लिए लाखों लोग जो हैं वो यहां से उड़ान भरेंगे, क्या तैयारियां हैं? वस्तुतः पूर्वांचल और बिहार के लिए पूरे देश से लोग जाने के लिए तैयार हैं और उसके लिए रेलवे ने पूरे देश में तैयारी की है। नई दिल्ली हो, आनंद विहार हो, दिल्ली स्टेशन हो, नॉर्दर्न रेलवे के अमृतसर, लुधियाना, अंबाला, इन सारे स्टेशनों पर तैयारियां की गई है। और जो बेसिक एमिनिटीज़ है उसकी मॉनिटरिंग के लिए ऑन बोर्ड और ऑफ बोर्ड हम लोगों ने अपना एक कंट्रोल रूम भी बनाया है और साथ ही हर प्रकार की सहायता की व्यवस्था की गई है। हम लोगों ने मेडिकल बूथ बनाए हैं सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर। पहले 4 महीने पहले रिजर्वेशन कराए जाते थे, अब उसकी जो मियाद है उसको घटाकर 2 महीना कर दिया गया है, यानी 60 दिन पहले ही रिजर्वेशन होगा। इस पर हम चाहते हैं कि रेलवे के द्वारा मुसाफिरों को ये सूचना मिले कि आखिर किन वजहों से ऐसा हो पाया है। हम लोगों ने रिजर्वेशन पीरियड को कम करने का जो फैसला लिया है उसके पीछे कई कारण थे। एक कारण यह है कि सेफ्टी के हिसाब से पूरे भारतीय रेलवे जो है मॉडर्नाइजेशन के नए युग में प्रवेश कर रहा है, तो जो पुराने कोचेस थे ICF टाइप के उसको हम नए LHB कोचेस से रिप्लेस करना चाहते हैं सारी गाड़ियों में। साथ ही ऐसा देखा गया है, एक स्टडी हम लोगों ने करवाई थी कि जो लोग बहुत पहले रिजर्वेशन करा लेते हैं वो लोग अपने टिकटों का कैंसिलेशन भी बहुत ज़्यादा कराते हैं, तो इससे जो जेन्युइन पैसेंजर्स हैं उनको कंफर्म टिकट मिलने में दिक्कत होती थी। तो अब जब 60 दिन का ही एडवांस रिजर्वेशन सुलभ है तो हम उम्मीद करते हैं कि जो कैंसिलेशन है वह भी कम होगा। ED दिलीप कुमार जी, जिनका साफ तौर पर यह कहना था कि ज़रूरत के हिसाब से भी हम ट्रेनों का परिचालन सुनिश्चित कर रहे हैं ताकि मुसाफिर आराम से छठ पूजा के लिए अपने घरों तक पहुँच सकें और परिजनों के बीच छठ पूजा मना सकें। कैमरामैन जगमोहन के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मैं राजेश राज, DD News के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़